स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर उमेश बंसोड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जे एम पटेल कॉलेज, भंडारा, महाराष्ट्र। इन टूडेज लेक्चर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड रेस्टोरेशन पोएट्री। इसके पहले के लेक्चर में हमने रेस्टोरेशन एज किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं और क्या क्या उथल पुथल हुआ है रेस्टोरेशन एज में, इसके बारे में ही हमने वहां जानने का प्रयास किया था। उस लेक्चर को सुने बगैर रेस्टोरेशन पोएट्री के इस लेक्चर को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसके सारे लिंक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। रेस्टोरेशन पीरियड की जो खासियत थी, जो विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसमें एक खासियत यह भी थी कि चार्ल्स सेकंड के सत्ता में वापस आना फ्रांस के एटमोसफियर को इंग्लैंड में ही उसी प्रकार से यूज करना या उसी प्रकार से इस्टेब्लिश करना, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लिबरल माहौल को, आज़ादी को इंग्लैंड के ऊपर लागू करना, इसके परिणाम क्या क्या हुए और चार्ल्स सेकंड सत्ता में आने के बाद प्यूरिटेनिज्म मूवमेंट को अपोज करने के चक्कर में इंग्लैंड में क्या क्या लेकर आए, इन सारी चीज़ों को समझना अगर है तो रेस्टोरेशन पोएट्री को समझना पड़ता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टोरेशन पोएट्री will definitely help to understand you what kind of a poetry it was written during restoration age. Restoration poetry, there existed a group of court wits. Wisdom and honesty was gone. These both the things were gone, and wits took place as a part of important core part of the English poetry during restoration period. इंग्लिश कविताओं को, अगर साहित्य को आप देखेंगे तो ऑनेस्टी, विजडम, ये चीज़ें अब रेस्टोरेशन लिटरेचर से गायब थी, उसकी जगह विट्स ने ले ली थी। और कोर्ट में जो राजा के समर्थक थे, कैवेलियर पोएट्स कह सकते हैं, तो ये कोर्ट विट्स एक ग्रुप वहाँ पर एग्जिस्ट करता था 1665 से 1680 के बीच में, एंड हु वेर नोबल मैन पोएट्स इन द कोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड। ये सरदार भी थे, नोबलमैन भी थे, और चार्ल्स सेकंड का दरबार भरा हुआ था इन लोगों से। दे इंडल्ज द किंग विद लाइसेंशियस पोएट्री। इन सारे लेखकों ने, कवियों ने मिलकर राजा के इर्द गिर्द में इस प्रकार के कविता का ताना बाना बुना था, जिसको हम लाइसेंशियस पोएट्री के नाम से जानते हैं। लाइसेंशियस पोएट्री कामुकता से भरे हुए कविताओं का एक प्रकार का क्रिएशन है, जहाँ पर सेक्सुअल फीलिंग्स से, लव अफेयर्स की बातें, ऐसे बहुत सारे कामुकता से भरे हुए कविताओं का जन्म इस समय में हुआ। लाइसेंशियस मीन्स शोइंग कंप्लीट लैक ऑफ मॉरल डिसिप्लिन। अब इसमें प्यूरिटनिज्म का प्रॉब्लम क्या था कि प्यूरिटन मूवमेंट में मॉरलिटी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था, ड्रेस कोड था, ड्रामा को बंद कर दिया गया था, एंटरटेनमेंट पाप समझा जाता था। इसके खिलाफ टोटल अपोजिट है रेस्टोरेशन पोएट्री। इसमें लाइसेंशियसनेस से मॉरल कोई डिसिप्लिन नहीं है, नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची थी, और जो स्टैंडर्ड्स स्पेशली इन रिलेशन टू सेक्स, सेक्स के बारे में, सेक्सुअल चीजों के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की पाबंदियां यहाँ पर कविताओं में नहीं दिखाई देती। Some of these poets are John Wilmot, the second Earl of Rochester, 1647 और 80 के बीच में ये कवि रहे हैं, तो जिन्होंने रेस्टोरेशन दौर में कविताएं लिखने का प्रयास किया जो लाइसेंशियस थी, कामुकता से भरी हुई थी। इन कवियों की श्रेणी में एक नाम आता है जॉन विलमॉट का, जो सेकंड अर्ल ऑफ रोचेस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरे कवि थे चार्ल्स सैकविल, जिसको लॉर्ड बर्कहर्स्ट के नाम से जानते हैं, द सिक्स्थ अर्ल ऑफ डॉर्सेट एंड द फर्स्ट अर्ल ऑफ मिडिलसेक्स, 1643 टू 1706, ये उनका समय रहा है। तो चार्ल्स सैकविल आल्सो इज द अनदर इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ रेस्टोरेशन पोएट्री। सर चार्ल्स सेडले का नाम इसमें, द फिफ्थ बैरनेट जो है 1639 टू 1701, ये उनका समय रहा है। तो सर चार्ल्स सेडली भी रेस्टोरेशन पोएट्री के एक कवि के रूप में फेमस थे। जॉन शेफील्ड, द फर्स्ट ड्यूक ऑफ द बकिंघम एंड द नॉर्मेंडी एंड द अर्ल ऑफ मुलग्रेव,
1648 टू 1720 में उनका समय रहा है। तो चार्ल्स हैकफील्ड हो, चार्ल्स हेडले हो, या जॉन शेफील्ड हो, या फिर सर खैर स्क्रोप हो, ये फर्स्ट बैरन के रूप में जाने जाते थे। तो ये कुल मिलाकर ये सारे कवि रिस्टोरेशन पोएट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। लिटरेचर में ये नाम उतने फेमस नहीं है कि हम इनको शेक्सपियर को टेनिसन को वर्ड्सवर्थ को जैसे जानते हैं, पर रेस्टोरेशन पोएट्री में इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है लाइसेंशियस पोएट्री के रूप में। इन द चेंज मॉरल क्लाइमेट ऑफ द टाइम्स, अब रेस्टोरेशन पोएट्री में मॉरलिटी नाम की कोई चीज नहीं रही, सारी कामुकता से भरी चीजें इसमें आने लगी। दीज पोएट्स एडॉप्टेड अ न्यू एपिक्यूरियन एटीट्यूड इन देयर पोएम्स। पर आप सोचेंगे कि क्या इस प्रकार की कामुकता से भरी हुई कविताएं लिखने का प्रयास का इंग्लैंड में पहली बार हुआ था? नहीं, इस कविता के मॉडल को उन्होंने एपिक्यूरिस से लिया था, और इसको इस कामुकता से भरी हुई भावनाओं को एपिक्यूरियन एटीट्यूड कहा जाता है। एपिक्यूर कौन था वो भी समझ लो, ये डिसाइपल एपिक्यूरियन जो होते हैं, दीज आर द डिसाइपल्स और स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरिस। जो ग्रेट फिलोसोफर एपिक्यूरिस थे उनके शिष्य माने जाते हैं। अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट स्पेशली द डिराइव्ड फ्रॉम फाइन फूड एंड ड्रिंक, बस अच्छा खाना पीना एंजॉय करना, सीज द डे वाली जो फिलोसॉफी है, उस फिलोसॉफी के आधार पर खाने पीने में मौज मस्ती में इंडल्ज इन्वॉल्व रहने वाले लोगों का एक समूह कह लीजिए जिनको इन्हीं चीजों में खुशियां मिलती है। तो एपिक्यूरियन एटीट्यूड को रिस्टोरेशन पोएट्री में दिखाने का प्रयास किया गया है। एपिक्यूरिस वाज एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एंड सेज हु फाउंडेड एपिक्यूरियनिज्म, अ हाईली इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, एंड ही वाज बोर्न ऑन द ग्रीक आइलैंड ऑफ सामोस टू एथेनियन पेरेंट्स। एपिक्यूरिस ने इस प्रकार के एपिक्यूरियनिज्म फिलोसॉफी की स्थापना की थी, और जिनका पर्पस ही था कि लाइसेंशियसनेस से भरी हुई कविता को, द थीमेटिक फोकस ऑफ दिस पोएट्री इन्वॉल्व प्योरली हेडोनिस्टिक अकाउंट और द मेल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द लवर्स ऑफ वर्जिन्स ऑन द इरोटिक। अब इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की मूल भावना इन कविताओं में दिखाई देती है कि कोई मेल काउंटर पार्ट है जिसको हम हेडोनिस्टिक एटीट्यूड कह सकते हैं, कि अपनी लवर को, अपनी प्रेयसी को जीतने के प्रयास, वो वर्जिन हो, वो ब्यूटी हो, उसको इन्फ्लुएंस करना, अपने लिए हासिल कर लेना, इसी प्रकार की थीम्स जनरली इन कविताओं का विषय रहा है। तो रिस्टोरेशन पोएट्री इन कविताओं से भरी पड़ी है। सिलेबस में प्रिस्क्राइब पोएम्स को पढ़ने के बाद में, वो हेरी की पोएम हो या और कविताएं हो, आपको इस प्रकार का परसुएशन उसमें दिख जाता है। प्रिंसिपल लिटरेरी कैरेक्टर फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स वॉज द रेक। इन सारी कविताओं को, लिटरेचर को थीमेटिक रूप से जब आप पढ़ेंगे, तब आपको एक कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट 20-25 साल तक दिखेगा, रेक, विच गेव राइज टू लिब्रिटेनियन लिटरेचर, बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द पोएम्स विल्मॉट एंड सेडली। विल्मॉट और सेडली ने इस प्रकार के रेक कैरेक्टर को अपनी कविताओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया। यह रेक क्या होता है वो भी समझ लीजिए। इन अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अ रेक जो स्टॉक कैरेक्टर है, बना बनाया कैरेक्टर है, वाज मैन हु वाज हैबिचुएटेड टू इमोरल कंडक्ट। इमोरल कंडक्ट के लिए ये कैरेक्टर जाना जाता है, पर्टिकुलरली वुमेनाइजिंग। ऑफन अ रेक वाज आल्सो अ प्रोडिगल, वेस्टिंग हिज फॉर्चून ऑन गैम्बलिंग, वाइन, विमेन एंड सॉन्ग, एंड इनकरिंग लैविश डेट्स इन द प्रोसेस। एक इस प्रकार का कैरेक्टर जो इन्वॉल्व है, रथ है, जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए, महिलाओं का पीछा करने के लिए, गाना गाने के लिए, और कर्जा लेना और एंजॉय करते रहना, इस प्रकार की सारी इमोरल चीजों से भरा हुआ जो कैरेक्टर है, स्टॉक कैरेक्टर, उसको हम रेक कहते हैं। However, the second Earl of Rochester's poetry was a critical the libertine ideas. पर कुछ लोगों ने, जो सेकंड अर्ल ऑफ रोचेस्टर है, उनकी पोएट्री थोड़ी सी क्रिटिकल दिखाई देती है। इस मामले में उन्होंने लिबर्टाइन जो आइडिया है उसको अपोज करने का प्रयास किया। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रिस्टोरेशन लिटरेचर वॉज इट्स प्रेज ऑफ लंदन एंड डिटेस्टेशन ऑफ द कंट्री। लंदन की तारीफ करना और इस प्रकार के लाइसेंशियस पोएट्री को जन्म देना, इसी प्रकार का एक ताना बाना इन कविताओं के माध्यम से हमें दिखता है।
द ग्रोथ ऑफ सटायर एंड सटारिकल पोएम्स इज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ रेस्टोरेशन पोएट्री। ये वही दौर है जिसमें हम सटायर को उभरता हुआ देखेंगे। सटारिकल पोएम्स को रेस्टोरेशन पोएट्री में थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिली है। द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस सटारिकल पोएट्री कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट ओलिवर क्रॉमवेल्स रूल हैड सीन द बर्थ ऑफ आइडियोलॉजिकल एनार्की एंड बिटर पोलराइजेशन ऑफ पोजिशंस एंड फॉर्मेशन ऑफ फेयरसली एंटागोनिस्टिक ग्रुप्स एंड सेक्स। इस प्रकार का एक अलग सा माहौल प्यूरिटनिज्म में या ओलिवर क्रॉमवेल गवर्नमेंट में देखने को मिला है। एक बहुत कड़वा पोलराइजेशन जिसको हम एक ऐसे ग्रुप को इकट्ठा करने का समूह मान सकते जो एक ही डायरेक्शन में जाता है, दूसरे कोई डायरेक्शन का विचार ही नहीं होता, और सारी चीजों को विरोध करने वाला एक एंटागोनिस्टिक ग्रुप इस दौर में देखने को मिलता है। तो उस लिहाज से ओलिवर क्रॉमवेल के इस विचारधारा को बदलने का काम थोड़ा सा रेस्टोरेशन पोएट्री ने किया है। एज इन ऑल डिक्टेटरशिप डिसेंट। अब डिक्टेटरशिप कोई भी हो, तानाशाही, जब भी राज्य सत्ता में आपको लगेगा कि एक ही व्यक्ति की बात चलती है, दूसरे किसी को सुनने के लिए खाली नहीं है, तो ऐसे तानाशाही विचारधारा में डिसेंट जिसको कहते हैं, अपनी ओपिनियंस के अलग अलग ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का, वॉज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्लैंडेस्टाइन मॉकरी। अब किसी को अपने विचार को व्यक्त भी करना है तो सीक्रेटली बहुत इलिसिट तरीके से वो व्यक्त करते थे। विच वन ऑफ द डिक्टेटरशिप टाइप इरप्टेड इनटू द ओपन इनटू द फॉर्म ऑफ सटायरिकल ट्रैक्ट्स एंड लिटरेचर। फिर ओलिवर क्रॉमवेल गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर अपनी बात को, अपनी ओपिनियन को रखना है तो एक ब्रेकआउट हो गया, एक इरप्शन हुआ चार्ल्स सेकंड के सत्ता में आते ही। लोगों ने इस प्रकार की पोएट्री को फिर लिखना शुरू किया और सटायर का जन्म हुआ। कारण था ओलिवर क्रॉमवेल का गवर्नमेंट। जॉन ड्राइडन वाज द मेजर पोएट ऑफ द रेस्टोरेशन पोएट्री। ड्राइडन के बिना आप इंग्लिश सटायर की कल्पना नहीं कर सकते। रेस्टोरेशन पीरियड में बाकी सब तो कवि है ही, पर सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो है वो जॉन ड्राइडन का है। रेस्टोरेशन पीरियड इज इम्पोर्टेंटली नोन फॉर जॉन ड्राइडन एज इम्पोर्टेंट राइटर एंड पोएट। ही वेलकम द रिपैट्रिएशन ऑफ द किंग चार्ल्स सेकंड विद पोएम एस्ट्रिया रिडिक्स। कविताओं के माध्यम से भी कुछ झलक तो मिलती है कि कवियों ने, जॉन ड्राइडन जैसे कवि ने एस्ट्रिया रिडिक्स नामक कविता लिखकर चार्ल्स सेकंड का सत्ता में वापस आने का स्वागत किया है। अ पोएम ऑन द हैप्पी रिस्टोरेशन रिटन ऑफ हिज सैक्रेड मैजेस्टी चार्ल्स सेकंड रिटन इन हीरोइक कपलेट। और एस्ट्रिया रिडिक्स इस कविता को हीरोइक कपलेट में लिखा गया था चार्ल्स सेकंड का स्वागत करने के लिए। जॉन ड्राइडन ने इस कविता को लिखा था। तो कुल मिलाकर राजसत्ता के बदलते ही ओलिवर क्रॉमवेल गवर्नमेंट के खिलाफ ये एक जो भी आउटबर्स था वो निकल आया सटायर के माध्यम से। ड्राइडन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वेयर इज सटायरिकल एंड आर्गुमेंटेटिव वर्सेस एब्सोल्यूम एंड अकेटोफेल की बात हो, अ पोएम इन 1681, द मेडल, अ सटायर अगेंस्ट एडिशन 1682, एंड मैक फ्लेक्यानो सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट्स टीएस इन 1682। तो 1681 82 में जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स, कविताएं ड्राइडन ने लिखी है, ये उनका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माना जाता है इस पीरियड के दौरान। तो कुल मिलाकर ड्राइडन के साथ बहुत सारे कवियों को जो रेस्टोरेशन पीरियड में जिनका कंट्रीब्यूशन एज ए सटायरिस्ट का हो या लाइसेंशियस पोएट्री के लिए हो, इम्पोर्टेंट माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि रेस्टोरेशन पोएट्री किस प्रकार की एक ओवरऑल पोएट्री थी, ये लेक्चर मदद करेगा। दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड रेस्टोरेशन पोएट्री इन टोटो, एंड दिस लेक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन ग्रामर प्लानिट बाय डॉक्टर उमेश बंसोड। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप यू विल फॉलो द अदर लेक्चर्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड रेस्टोरेशन एज इन अ कंप्लीट वे। थैंक यू वेरी मच।